या 800-900 कुछ रियल फॉलोअर्स वैसे, और स्टोरी व्यू आते थे 50-60-100। तब मैंने डाला था कि भाई मैं एक नेशनल हिट देने वाला हूँ, माँ की कसम ब्रो, तब मैंने डाला था कि मैं नेशनल हिट देने वाला। तब मेरे को नहीं पता था ब्रो कि किसी का कमेंट आएगा, क्या ये आएगा वो आएगा। लोग आज भी मेरे को बोल रहे हैं कि भाई तू ना ये उस कमेंट की वजह से बना है। भाई तो मैं तुमको ये बताता हूँ कि वही इंसान और उसी से बहुत जुड़े हुए इंसान ने बहुत जगह कमेंट किया है ब्रो, बट उनका वही गाना हिट गया। यहाँ से काम किया ब्रो मैंने, यहाँ से काम किया ब्रो मैंने, तुम लोग ऐसे मत बोलो ठीक है। उस इंसान के कमेंट को मैं आज भी बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, वो भले ही उस डिलीट कर दिया उसने किसी भी रीजन से जो भी हुआ, बट आई रियली अप्रिशिएट ब्रो कि आपके कमेंट ने मुझे एक बूस्ट दिया, लोगों के सामने फिर से एक वो दिया कि या इसको सच में सुनना चाहिए, वरना तो ब्रो क्या बोलूँ अभी। आई रियली अप्रिशिएट दैट कमेंट ब्रो, भले ही वो ना नहीं है लेकिन फिर भी हिस्ट्री तो हिस्ट्री होता है ब्रो, हिस्ट्री हिस्ट्री में वो कमेंट था। एंड आई रियली अप्रिशिएट ब्रो जो भी हुआ। एंड ऑफ कोर्स उस स्टैन ने भी ये बोला, स्टैन ने भी यही कमेंट किया था ना आप लोगों के आगे कि हक से या फिर हक है कुछ वैसा, बिकॉज दे न्यू कि इसमें वो बात है। ये बात आप लोग कान खोल के सुनो, अगर उस बंदे ने ये मेरे को दिया कि इसको हक है, इसका मतलब दे न्यू कि इसमें कुछ बात है। इसलिए मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ उस कमेंट को कि चलो किसी ने तो पहचाना कि हाँ इसमें कुछ बात है। एंड फिर मैं रुक नहीं गया था ब्रो, अगर मैं वहाँ पे रुक जाता ना तब आप बोलते कि हाँ एक कमेंट की वजह से तुम्हारा गाना गया। मैं रुका नहीं, फिर मैं ट्रस्ट मी गाना लाया, हर्ट मी लाया, नो मी लाया, सेफ मी लाया, इंडियन मेलोडीज लाया, 1 AM लाया, इमो जॉनर लेके आया जो आज तक किसी ने नहीं किया। उस चीज को कॉपी करके आज तक लोग गाने बना रहे हैं, आप लोग उनको व्यू व्यू सब देते हो, बहुत सही बात है। बट आई रियली लव स्टैन, वो रेस्पेक्ट है दिल में, और जिस दिन मैंने उसको गाली दिया ना मैं खुद बहुत नशे में था। देखो आज मैं बता रहा हूँ ये बात, मैं खुद बहुत नशे में था, नशे में था मतलब वैसा नशे में नहीं था, वैसे वाले नशे में नहीं था। मेरे को मतलब कुछ समझ नहीं आता, मेरे को लोग जो आमने सामने अपने आसपास ना अच्छे लोग चाहिए होते हैं, आमने सामने अगर गंदे लोग हो तुम्हारे माथे में वो जो डालेंगे ना वो ही तुम बोलोगे लोगों के सामने। तो मेरे साथ भी सही लोग नहीं थे ब्रो, बट जिस दिन मैं अलोन हुआ तो मेरे को सब समझ में आया कि ब्रो मेरे को ऐसा यू नो दिस वॉज नॉट द वे टू टेल मी या फिर जो भी हो। बट आई रियली अप्रिशिएट स्टैन एंड सबको यार, सबको ही अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन यही चाहता हूँ कि अगर आप दिल दिल से मुझे मानते हो या सुनते हो तो लोगों के सामने ये ना बोले कि हम उसे जानते नहीं हैं, या फिर हम लोग यू नो स्टैंड के मैनेजर से लेके सब सब लोग का अभी तक यू नो लाइक मेरे पास सब वो मैसेज वगैरह सब पड़ा हुआ है कि लाइक ब्रो तुम क्या कर रहे हो यार, ये तुम अच्छा कर रहे हो, ये कर रहे हो ब्रो, तुम आगे चल के ये करने वाले हो। बिकॉज तब मुझे क्योंकि वो चीज़ मेरे को बूस्ट किया कि यस रियली हम लाइक लोग मेरे को सुन रहे, मुंबई साइड से स्टैन लोग सुन रहे, ये लोग सुन रहे, उस चीज़ ने मेरे को बूस्ट किया और अच्छा गाना बनाने में। इसलिए मैं आज तक लाइक उस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन कुछ लोग उसको गंदे वे में पोर्ट्रे करते हैं, मतलब आर्टिस्ट के दिमाग में ये डालना चाहते हैं कि तू तू नहीं है, तू इसके वजह से बना है, और इसके वजह से क्या होता है कि हम लोग का माथा खराब होता है। बट ऐसा नहीं है ब्रो, आई रियली अप्रिशिएट, आई लव देम ब्रो, आई लव देम वेरी मच। भले वो मेरे से नाराज़ हो, वो मेरे से बात नहीं करते, बट एक टाइम तो था ना दैट यू दैट दे सेड कि भाई तुम्हें हक है, भाई तुम जो कर रहे हो आगे चल के फाड़ने वाले हो, भाई तुम माँ चो उधर। या आई रियली अप्रिशिएट, वो दिन मैं आज भी याद करता हूँ और मैं बहुत खुश होता हूँ। पर बस उन लोगों से खुश नहीं हूँ जो ये बोलते कि तुम इसी के वजह से बने हो, लोगों से जाके पूछो ब्रो, लोगों से जाके पूछो कि मैंने गाने वैसे दिए, ठीक है मैंने गाने वैसे दिए। सो विद ऑल योर ब्लेसिंग्स ब्रो मैं कहना चाहूँगा कि आई एम अबाउट टू ड्रॉप हाउस नंबर 666। कब? December 31 ब्रो, 10 दिन बाद, 10 दिन बाद ये एल्बम आप लोगों का ब्रो। इसके अब मैं फिर से बता दे रहा हूँ ब्रो, कोई बड़ा आर्टिस्ट नहीं है अपने पीछे, कोई स्पॉटिफाई का पिचिंग सर्विसेज नहीं है ब्रो, क्योंकि 25 से लेके न्यू ईयर तक सब बंद होंगे, सब बंद होंगे। जो है एक रिस्क लेके मैं ही डाल सकता हूँ, तो बोलो मतलब मैं अब ये रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ ब्रो।